लाते मारी हमारे को पुलिस वालों ने, लाते मारी, ये देख लाठी चार करी, ऐसे हाल करेगी ये कॉलोनी है ना, हमारे लिए इतनी बेस्ट है कि इधर के अलावा ना हमारा दिल कहीं भी नहीं लगता और यहाँ से हम बिल्कुल जाना नहीं चाहते। वो खड़े हुए हमें कह रहे हैं कि आप पर्चियां कटवाओ और वहाँ यहाँ से आनंद पर्वत शिफ्ट हो जाओ। हमने उनसे पूछा कि आपके पास यहाँ पे जुग्गियाँ उठाने के ऑर्डर हैं तो उसकी एक फोटोकॉपी हमें तो हम देखते हैं, लेकिन इनके पास उठाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं है। क्या फ़ायदा, उधर हम चले गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ से भी हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, घर बार, मम्मी पापा, सब कुछ है। ये जगह जो डीडीए ने जो बेची है ना, हमसे पूछ के नहीं बेची इसने, ठीक है, रईजा को जो दी है। कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी किसी के बिगड़ पूछे को ले नहीं सकता। इस जंगल को हमने संसार बना दिया, इतना बड़ा अच्छा बना, घर घर बार बना दिया, अब इनका मतलब क्या है तोड़ने का? वहाँ लैन के अंदर लगना पड़ता है लैट्रिन के लिए, पानी के लिए, लैट्रिन के लिए, पानी के लिए, और खारा पानी है, और वहाँ से कई लोग जो ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे टोटली 12 पाल रहते, 12 पाल का मतलब समझते हो, मतलब 12 कास्ट रहती है, 12 कास्ट रहती है यहाँ पे। एक क्या घर के अंदर 20-20 पुलिस वाले, 15-15 पुलिस वाले, जबरदस्ती करिए, तो पर्ची कटवानी तो तुम्हारे पे डंडे पड़ेंगे। गाड़ियाँ लेके आ गए थे हमारे पे, 10,000 फोर्स, कम से कम 10-12,000 फोर्स हमारे पास, तो क्या उग्रवादी थोड़ी दे रहे थे? 60 साल बाद, 70 साल हो गए, अपना हाथी तो मांगे। आज तक कभी हमारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। गरीबों का घर में से बच्चों को भी नहीं निकालने दे रहे। एक विधवा औरत जो अंदर बैठी थी, उसके बच्चे समेत और कपड़े समेत उसके घर में कोई नहीं, उन्होंने बुलडोजर चला दिया। और हम कह रहे जी सामान निकाले दो, तो हमें बंदूक दिखा रहे, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। अब ये आप हमारी हालत देख सकते हो कि हमारी हालत कैसी है। एक आदमी ने तो हमारे लिए फांसी खा ली। अब हमारा ना तो कोई राम है ना रहीम है, हम जाए और तो जाए कहाँ? और ये जाने यहाँ से सामान उठा के ये भी नहीं बता रहे, और ना कोई साधन दे रहे, टेम्पो वगैरह, और ना उन्होंने पहले बताया कि नोटिस के लिए, कि हमें इतना टाइम का नोटिस है कि आप खाली कर दो। आज सुबह की आँख खुली, उससे पहले हमने देखा कि ये पूरा हादसा हुआ पड़ा था। छोटे छोटे बच्चे है ना, पाँव में दब गए और ऐसे पड़े हुए, कोई उठाने वाला नहीं। ये आधा सामान हमारे बच्चों को मार मार के भगा रहे, बहुत हमारी जिंदगी खराब कर रहे सरकार। ये कोर्ट का भी नोटिस नहीं है खाली करने का, ये डीडीए की नोटिस है खाली करने का। सुनाई में तो ये आ रहा है कि जिनकी पर्ची कट चुकी है, जो यहाँ के रह रहे उनके घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये तो नाजायज, जो नहीं, जिन्होंने पर्ची नहीं कटाई है उनके भी घर तोड़े जा रहे हैं। ये तो कोई है सरकार साथ देने वाली, गरीब कहाँ जाएंगे? कोई भी साथ नहीं दे रहा। मैम इस टाइम पे कोई सरकार साथ नहीं दे रहा, कोई मीडिया वाला साथ नहीं दे रहा। वैसे कहते हैं कि हम मीडिया वाले हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बार कोई मीडिया वाला नहीं आया, ना ही कोई सरकार आई है। जो कुछ भी बीता जा रहा है वो सब गरीबों पे हो रहा है, गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ कठपुतली कॉलोनी को उजाड़ रहे हैं, क्या भगवान इनका भला थोड़ा ही करेगा?